गुड इवनिंग दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ पनोद नाले की तरफ को जा रहा हूँ। शाम का टाइम है, समय है अभी 7:25। तो देखते हैं एनिमल क्रॉसिंग का टाइम है इस समय, क्या कुछ आज हमें देखने को मिलेगा। एक हमारा ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा है वाइल्ड लाइफ के लिए, क्रॉसिंग पॉइंट। ये देखिए नाइट जार बैठी है रोड पे, गया इधर आवाज आ रही, इधर डियर वगैरह है कुछ। पनोद नाला अभी मैं शांत होके इसलिए चल रहा हूँ कि मेरा ध्यान है बाहर, कि कहीं पे कॉलिंग वगैरह कुछ हो तो मैं उसी हिसाब से चलूँ। खड़े हैं कई सारे डियर, घास चुगने में लगे हैं, तो उसका मतलब कोई खतरा नहीं है इनको अभी। सांबर डियर उधर सामने भोनखाल की लाइटें दिख रही है ये वाली, और इधर वाले जंगल में लगी है आग। ये है दुर्गा देवी और चिमटा खाल वाला एरिया, इधर चुकम की लाइटें दिख रही, चुकम विलेज की सामने मोहान, मोहान के जस्ट ऊपर ही लगी आग। ये जैकल क्यों भाग रहा है, हेलो मदन दा, क्या हाल चाल और सब ठीक? नमस्ते जी। अच्छा ये भागता हुआ आया ना, मुझे लगा कुछ है शायद। हाँ ठीक ओके।
ये तो सड़क सड़क आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। अरे अरे आ गया था ट्रक के नीचे, देख रहे हो? ये बाइक वाले के आगे आगे चलते हैं। आगे हो गए क्रॉस ओवर। ये देखिए कितनी आग लगी हुई है। बहुत बुरा हाल हो रहा है आग लगने से। धनगढ़ी गेट पे पहुंचने वाला हूँ, फिर यहीं से हो लेता हूँ बैक। यहीं से बैक होता हूँ। चलिए जी, हो गए हैं बैक यहाँ से। ये धनगढ़ी म्यूजियम, डिकाला एंट्रेंस गेट। यहाँ से अब चलते हैं धीरे धीरे आगे को। यहाँ आ गया जैकल। डियर शांत है, जैकल शांत है, तो इसका मतलब इधर कुछ नहीं है। क्योंकि जब जैकल जब टाइगर को देखता है तो जैकल आवाज़ करता है, जैसे नॉर्मल कॉल होती है उसकी, आऊ आऊ करता है, तो इस टाइप की वो करेगा और डरी हुई आवाज़ से करेगा। तो उससे पता लग जाता है कि टाइगर अभी इसके सामने है। और जहाँ टाइगर किल करके रखता है उसी के 100 से 150 मीटर के एरिया में जैकल रहता ही रहता है। क्योंकि जो टाइगर क्या करता है, अगर 15 मिनट खाएगा तो उसके बाद उसे पानी ज़रूर चाहिए। तो टाइगर जैसे पानी के पास जाएगा उसके बाद जैकल उस पर मुँह मारेगा, और फिर टाइगर ने जितना खाना है खाएगा, उसके बाद छोड़ जाता है, तो फिर वो सब जैकल के हवाले हो जाता है। तो जैकल टाइगर पर भी डिपेंड रहता है कि इसका बच्चा वो खा जाएगा।
चलिए जी, पुनौद नाला भी कर लिया है क्रॉस, अब निकलते हैं सीधा शॉप पे, शॉप समेट के वापस फिर घर पे, फिर दिखाते हैं आपको अगर घर में आने के बाद उसके बाद कुछ होती है हलचल तो आपसे बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। गुड इवनिंग दोस्तों, आज आए हमारे पास नावेद भाई। नमस्ते नावेद भाई। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हैं, आपकी दुआएं हैं। बहुत अच्छा लगा आपका ये देख के आज। थैंक यू जी, थैंक यू। और बहुत खूबसूरत लोकेशन है। थैंक यू सो मच। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, जबकि कितनी गर्मी है लेकिन यहाँ पर गर्मी लगने रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। हाँ, चारों तरफ पेड़ हैं और सामने कॉर्बेट का जंगल है। वैसे तो घर भी आपका ऐसी जगह था, स्वर्ग से सुंदर था। आप तो स्टार्टिंग में आए हो जब हमने वहाँ काम स्टार्ट कराया था, और अब ये जो लोकेशन है ये तो बहुत ही खूबसूरत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत मोहब्बत मिलती है आपसे। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो हाँ, ये नावेद भाई हमारा एक यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं, ट्रेवल विद नावेद। ट्रेवल विद नावेद 83 लास्ट जी। ओके ओके। तो अमानगढ़ के, पीलीभीत के, नंदौर के, कॉर्बेट के, सब जगह के हम वाइल्ड लाइफ वीडियो बनाते हैं। मैं आपका स्टेटस देखता रहता हूँ, तो जो स्टेटस में मिलता है फिर मैं आपका चैनल जरूर देखता हूँ। बिल्कुल, हम जेन्युइन वीडियो बनाते हैं, जैसे वीरू भाई बनाते हैं। मतलब ये नहीं है कि ये गया वो गया। आप देखना मेरे चैनल को, सर्च करना। बिल्कुल बिल्कुल, वॉच कर उसको, सब्सक्राइब करना, देखना। उससे अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्यार देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्यार देंगे। जैसे आपकी वीडियो बन रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अभी आप अमानगढ़ भी गए थे, वो भी देखा था मैंने, बहुत सुंदर। अभी मैंने काफी वीडियो अमानगढ़ के बनाए, और अमानगढ़ में टाइगर फाइटिंग भी अच्छी थी। अभी 50 हाथियों का एक ग्रुप आया था जिसने हमारी जिप्सी को घेर लिया था, वो वीडियो मेरा बहुत अच्छा रहा। और पीलीभीत में भी टाइगर हमें दिखा। अच्छा, एक चीज और मैं कहता हूँ, पीलीभीत, अमानगढ़ और कॉर्बेट, तीन जगह में से बेस्ट अगर कहेंगे तो कौन सा कहेंगे? देखिए, वाइल्ड लाइफ लवर अगर आता है तो अमानगढ़ का फॉरेस्ट जो है वो बहुत खूबसूरत है। अगर सिर्फ टाइगर देखना है तो पीलीभीत जाना है। पीलीभीत में और कुछ नहीं है, और पीलीभीत में साइटिंग नहीं है, आपको एक फीट का भी अगर देखना है तो नहीं दिख पाएगा, झाड़ियाँ इतनी है। अच्छा। और एक रोड पे है सिर्फ, यानी सामने का आप क्रॉस करेगा तो दिखेगा। हाँ। बाकी आपको कुछ नहीं दिखेगा, अगल बगल नहीं दिखेगा, सामने का ही दिखेगा, सामने का। और अमानगढ़ का फॉरेस्ट इतना खूबसूरत है कि आपको अगर कुछ नहीं दिखा बाई चांस, क्योंकि लक बाई चांस होती है सफारी, अगर आपको कुछ नहीं दिखा उसके बाद भी आपको इतना मजा आएगा कि आप ये कहोगे कि हम फिर अमानगढ़ जाएंगे। अच्छा। और कॉस्टली भी नहीं है, इससे कॉर्बेट से काफी रेट कम है वहाँ पर, और आपको मजा आएगा। और कॉर्बेट तो नंबर वन है, क्योंकि वहाँ पर वीरू भाई है। अरे नहीं, तो इसलिए जो है युवराज भाई है, वीरू भाई है, तो कॉर्बेट का तो कहना लाजवाब है। कॉर्बेट बहुत खूबसूरत है। कॉर्बेट घूमने के लिए, अपने फैमिली के साथ आने के लिए, रिजॉर्ट्स में रुकने के लिए, वीरू भाई के आने के लिए बहुत खूबसूरत है। अगर आपको जंगल देखना है तो अमानगढ़ जाएं, टाइगर देखना है तो पीलीभीत जाएं। अरे ये बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने तीन जंगल घूमे हैं अभी तक जी, आपको साइटिंग कहाँ कहाँ हुई है? मैं चार जंगल घूमे, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, नंदौर। हाँ। हल्द्वानी में है वो, और साइटिंग मुझे पीलीभीत में टाइगर की हुई, और कई बार हुई, और अमानगढ़ में मुझे भालू की साइटिंग हुई। अरे वाह। हाथी 30-40 मुझे मिले, और अमानगढ़ में मुझे टाइगर 3-4 बार मिल गया। अमानगढ़ का मैं आपको ये बता दूं कि वैसे तो बिजनौर जिले में आता है, लेकिन अमानगढ़ छिरना सेम जंगल है। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हुआ, तो जब आप झिरना की सफारी करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक दिखेगा कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, वो वहाँ की कैंटीन है। ओके। और जंगल सेम है, ये हमें और आपको पता है कि अमानगढ़ है ये और ये झिरना है, जानवर को नहीं पता। जितने जानवर झिरना में है वो वाटर पॉइंट की वजह से अमानगढ़ जाते हैं, क्योंकि अमानगढ़ में लगभग 20 वाटर पॉइंट। अच्छा। अगर कॉर्बेट में पानी सूख जाता है, रिवर्स में सूख जाता है, तो अमानगढ़ चले जाते हैं। अमानगढ़ के जितने भी जानवर हैं वो झिरना में आते हैं, कॉर्बेट में आते हैं, तो उनके लिए एक है ये। Okay. ये हमारे लिए, हाँ, यहाँ का आप देखो, यहाँ का हाथी नेपाल चला जाता है, शुक्ला फाटा तक जाता है फिर नेपाल, वहां से नंदौर होता हुआ और आता है। और एक मैं आपको ये बात बताऊं कि पीलीभीत में जो है आपको हाथी नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, सबसे एक ये भी, हाथी का जो देखने का मजा होता है वो टाइगर से ज्यादा होता है। अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं और आपके सामने एक हाथी खड़ा हुआ है, तो आपको इतना मजा आएगा देखने में। और कहीं वो आपकी किस्मत है, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो आप पे चार्ज करता है तो जिप्सी चालक लेके भाग जाता है। वो सीन इतना मजे का होता है कि आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। आप 10,000 की सफारी करो या 15,000 की करो, जब वो आप पे चार्ज करेगा। टाइगर चार्ज कभी नहीं करेगा, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाथी को बहुत दूर से दिखाते हैं ड्राइवर। अगर वो थोड़ा भी दौड़ता है तो वो मोमेंट सबसे ज्यादा खूबसूरत वाइल्ड लाइफ लवर के लिए। और एक बात यह है कि नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या अमानगढ़ हो, उसमें बर्ड्स वॉचिंग बहुत है।
अच्छा। अगर आप बर्ड्स लवर हैं तो मैंने हॉर्नबिल देखा, ग्रेट हॉर्नबिल, 9 तरीके के हॉर्नबिल जो हैं वो माने जाते हैं यहाँ पर इंडिया में, और 55 जो हैं प्रजातियां उसकी पूरी दुनिया में है। तो 9 प्रजातियों में 3 प्रजातियां जो हैं इसमें अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में है। वो जिरना में भी आती होंगी, लेकिन जिरना का फॉरेस्ट ऐसा है कि हमें दिख नहीं पाता है, कुछ को दिखता है। मैंने भी यहाँ पे तीन प्रजाति के देखे हैं। तीन प्रजाति के मैं बता रहा हूँ ना, एक ही जंगल है तो तीन प्रजाति ही अमानगढ़ में। अभी भी मैंने वीडियो बनाया था तो मुझे जोड़ा दिखा, और वहाँ पर एक पैराडाइज चिड़िया नाम से है, वो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, लंबी सी पूंछ, इतनी खूबसूरत उसकी धूम होती है। तो बर्ड्स लवर जो हैं वो भी अमानगढ़ जा सकते हैं, और सुबह की अगर आप मॉर्निंग की सफारी करते हैं तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बर्ड्स दिखेंगी वहाँ पर, और दोपहर में अगर आप जाते हैं सफारी के लिए तो जो 5 और 6 बजे का टाइम होता है वहाँ पर, थोड़ा ये भी टाइम का है कि जैसे 6 बजे की सफारी है तो वहाँ 6:30 बजे तक की, तो आपको वो लास्ट टाइम जो होता है आपका आधा घंटा, उसमें आपको जानवर देखने के चांस ज्यादा बहुत अच्छा रहता है। चलिए नवेद भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी सारी नॉलेज भी दी आपने, और आपके पास आया, आपसे मोहब्बत मिली, दिल को खुशी हुई। और बस आपके व्यूअर्स से ये कहेंगे कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का मैं फिर आपको बताऊं कि ट्रैवल विद नवेद 83 चैनल का नाम है मेरा, और मुझे प्यार दें और वीरू भाई को प्यार दें, और वीरू भाई के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू सब्सक्रिप्शन और इनके बढ़ाएं, ताकि हम इनका 50,000 सब्सक्राइबर्स का केक इसी पर जगह पर इनके काटें। थैंक यू जी, थैंक यू ओके।